हेलो बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसी चैप्टर में से आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क दैट सप्लाई फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, जो कि जिसमें क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जो सप्लाई करते हैं फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, पूरे बॉडी में फूड, वाटर, ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सप्लाई करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होते हैं। ओके, द मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन तीन पार्ट होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम एक एक करके आज हम पढ़ेंगे, ओके, इस वीडियो में। ओके, तो ब्लड। ठीक है, ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड डेट फ्लोस इन अवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड क्या है? एक रेड कलर का फ्लूड है जो कि फ्लो होते हैं हमारे बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो होते हैं। ठीक है, रेड कलर का होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा एंड द सेल्स और कॉर्पल सेल्स। ठीक है, देखो, जो लिक्विड पार्ट होते हैं उनमें क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं और सेल्स होते हैं। ओके, ब्लड सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, अब देखो, ब्लड सेल्स जो है वो कितने टाइप्स के हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और थर्ड जो है वो क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इन आरबीसी देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, एक पिगमेंट जो है प्रेजेंस होते हैं जो कि रेड कलर में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ओके, आरबीसी में क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ओके, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो कैरी होते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी एज दे डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं कि उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है वो एक ब्लड है जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस जर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, थर्ड जो है हमारा प्लेटलेट्स है। ओके, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेन एवर देर इज अ ब्लड फ्लो ड्यू टू सम इंजरी। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, जहाँ पे कट लगे हैं या कहीं पे चोट लगे हैं, जहाँ से खून निकल रहे हैं, उस खून को बंद कर देते हैं, क्लोटिंग करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ब्लड सेल जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो
आरबीसी, इसलिए आरबीसी में क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो कि ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन है, जो जर्म्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको खत्म करते हैं, ओके। और प्लेटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, अगर हमारे किसी बॉडी के पार्ट्स में कुछ चोट लगे हैं और वहां से खून बह रहा है, ठीक है, तो उस खून को बंद कर देते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, ओके। तो सेकेंड मेन टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, मेन पार्ट है हार्ट, ठीक है। द एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ आ क्लेंच फिस्ट, ठीक है। जब हम अपने हाथ को ऐसे बंद करते हैं, ठीक है, तो इतना साइज जो है एडल्ट ह्यूमन का हार्ट होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। चेस्ट कैविटी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। हार्ट जो है चेस्ट कैविटी से थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड लोकेटेड होते हैं, ठीक है। एंड बिल्ट लाइक अ डबल स्टोरी हाउस, ठीक है, और डबल स्टोरी हाउस जैसा उसका स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ईच पार्ट हैज टू रूम्स, ठीक है। अब डबल स्टोरी किसे कहा है, देखो ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का है और ये फर्स्ट फ्लोर का है, ठीक है, डबल स्टोरी हाउस का है, ठीक है। तो ईच पार्ट में टू रूम्स है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो अब ग्राउंड फ्लोर में क्या है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, दो रूम्स है, ठीक है। दोनों रूम्स क्या है, वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड एट द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, राइट ओरिकल्स एंड लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, ओके। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू पम्प्स, वन ऑन ईच साइड। द लेफ्ट साइड रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। अब देखो हार्ट में क्या है, दो पम्प्स होते हैं, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, और द लेफ्ट साइड रिसीव, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑक्सीजन होते हैं, रिच जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स। कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं, लंग्स से आते हैं, ठीक है। एंड सेंड इट थ्रू द बॉडी, ठीक है, और लंग्स से सेंड करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। द राइट साइड रिसीव इट बैक अगेन विथ लेस ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो राइट साइड में क्या है, राइट वेंट्रिकल और राइट ओरिकल में ब्लड जो है रिसीव करते हैं, जिनमें जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड सेंड इट टू द लंग्स, ठीक है, और ये जो ब्लड जो है वो कहाँ पे सेंड करते हैं, लंग्स में फिर सेंड करते हैं, ओके। कुछ आया समझ में, देखो अब क्या करते हैं, लंग्स से क्या करते हैं, ये क्या है, लंग्स है, ओके। लंग्स से लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल होके
ऑल बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है, ओके, जिसमें प्योर ब्लड होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हर बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया, फिर यहाँ से जो है लेफ्ट राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल कम होते हैं, ठीक है। वो राइट वेंट्रिकल से होके, राइट ऑरिकल से होके कहाँ पहुंचते हैं, लंग्स में पहुंचते हैं, ओके, ठीक है बच्चों। तो लास्ट मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ओके। देखो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एक लार्ज पाइप और एक स्मॉल पाइप, ठीक है, दोनों पाइप जो है एक जगह पे मिल रहे हैं, उसको हम के सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, ठीक है, ओके। द स्मॉलर सिस्टम ऑफ पाइप गोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक, ठीक है। अब देखो जो छोटा पाइप जो है वो क्या करते हैं, हार्ट से लंग्स में जाते हैं, ओके, एंड बैक, फिर लंग्स से हार्ट में फिर चले जाते हैं, ओके, जो छोटा वाला पाइप है, ओके। द लार्जर वन गोज फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और जो बड़ा वाला पाइप जो है वो हार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। द पाइप रिप्रेजेंट द ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज, ठीक है, जो पाइप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ओके, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स इन विच ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखो हमने दो एग्जांपल लिया था, एक छोटा पाइप लिया था, एक बड़ा पाइप लिया था, ठीक है। अब जो लार्ज, ठीक है, जो बड़ा वाला पाइप है उसको हम आर्टरीज कहेंगे, ठीक है। आर्टरीज आर ब्लड वेसल, आर्टरीज क्या है, ब्लड वेसल्स है इन विच ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसमें क्या होता है हार्ट से ब्लड होके दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो होते हैं, मतलब प्योर ब्लड होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेंस, ठीक है, द ब्लड इज कमिंग बैक टू हार्ट, वेंस आर ब्रिंगिंग बैक इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लोडेड विथ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो वेंस क्या है, ठीक है, अब आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट से प्योर ब्लड जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं, ठीक है। अब दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ पे आते हैं, हार्ट में आते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वहां पे ज्यादा होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है, उसको हम वेंस कहते हैं, ठीक है। वेंस क्या है, इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कहाँ पे आते हैं, हार्ट्स में आते हैं, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, ठीक है, द पंपिंग स्टेशन इज हार्ट, ठीक है। हमने दो पाइप लिया था, ठीक है, दोनों पाइप कहाँ पे मीटिंग हो रहा था, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल पंपिंग स्टेशन हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल का हार्ट है, ओके, आया समझ में। आर्टरीज लाई डीप इन टिश्यू एक्सेप्ट एट द रिस्ट अलोंग विद द साइड ऑफ नेक, ठीक है। आर्टरीज जो है, ठीक है, जिसमें प्योर ब्लड होते हैं वो लाई डिप इन टिश्यू होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट रिस्ट में, ठीक है, हमारे हाथ के यहाँ पे जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, ठीक है, और नेक में, ठीक है। द पल्सेस कैन बी फेल्ट एट एनी ऑफ दिस प्लेस, ठीक है,
हम जब हम पल्स रेट चेक करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे रिस्ट में करते हैं या फिर हमारे नेक पे चेक करते हैं, ठीक है। ओके, वेंस जो है, वेंस लाई क्लोजर टू द सरफेस ऑफ स्किन एंड कैन बी सीन एज ग्रीनिश ब्लू लाइंस इन आवर हैंड एंड लेग, ठीक है। अब देखो, वेंस जो है वो हमारे स्किन के सम क्लोजर होते हैं, ठीक है, और उसका कलर जो है वो ग्रीनिश ब्लू होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे हाथ में ये जो ग्रीनिश ब्लू जो है, ठीक है, उसको हम वेंस कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे हाथ में है, उसको हम वेंस कहते हैं, जिसमें इम्प्योर ब्लड होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ओके, तो आर्टरीज कहाँ पे पाए जाते हैं, लाए, ठीक है, लाए डीप इन टिश्यू, वो टिश्यू के अंदर जो है वो आर्टरीज फाउंड होते हैं, ठीक है, और वेंस जो है वो हमारे स्किन के क्लोजर होते हैं, ठीक है, जो ग्रीनिश कलर का होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, हमारे बॉडी में कैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेट होते हैं। ओके, ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होते हैं, जब हार्ट जो है वो पंप करना स्टार्ट करते हैं। ओके, द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्योर ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंस कैरी करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स में। ओके, ठीक है, अब देखो ब्लड सर्कुलेट कैसे होते हैं, ठीक है, देखो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट होके, यहाँ से होके, ठीक है, कहाँ पे जाते हैं, वेना कावा में जाते हैं, जो कि मेजर टू मेजर वेंस है, ठीक है, ठीक है, वेना कावा से होके कहाँ पे जाते हैं, राइट ऑरिकल, ठीक है, फिर राइट वेंटिकल, ठीक है, फिर यहाँ से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी में चले जाते हैं, ठीक, कौन से ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, वो यहाँ से होके पल्मोनरी आर्टरी से होके कहाँ पे आते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो लंग्स में जो है वहां पे गैसेस जो है वहां पे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे आते हैं, पल्मोनरी वेंस में, ठीक है, फिर वहां से होके लेफ्ट ओरिकल, फिर लेफ्ट वेंटिकल, फिर वहां से कहाँ जाते हैं, आओर्टा में जाते हैं, ठीक है, फिर आओर्टा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है, तो ऐसे ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं। ओके, आया समझ में, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या है, जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होके यहाँ से होके कहाँ जाते हैं, वेना कैवा में जाते हैं, जो कि टू मेजर पार्ट्स ऑफ वेंस है, ठीक है, फिर वहां से होके कहाँ जाते हैं, राइट ओरिकल, फिर राइट वेंटिकल, ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से होके लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो प्योर ब्लड है, वो वहां से पल्मोनरी वेंस में आते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट ओरिकल, फिर लेफ्ट वेंटिकल, ठीक है, फिर आओर्टा में आते हैं, फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं। ओके, ठीक है, ऐसे ही ब्लड जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। किसके वजह से हो रहे हैं, हार्ट के वजह से हो रहे हैं, है ना, हार्ट जो है वो पंप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, पंप कर रहे हैं, तभी ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं।
ओके है ना बच्चों। देखो जैसे कि यहाँ पे हार्ट है ना, तो यहाँ पे कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, जो कि वेंस और आर्टरीज में जो कनेक्शन होते हैं उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेंस है जिसमें इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी होते हैं। ठीक है, वो पर्मनरी आर्टरी से हमें होके कहाँ जाते हैं? लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, फिर लंग्स से गैसेस एक्सचेंज होके ऑक्सीजनेटेड जो प्योर ब्लड है, ठीक, वो पल्मोनरी वेंस से होके कहाँ आते हैं? आर्टरी में आते हैं, आओटा में आते हैं, फिर कहाँ पे आते हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ओके, ऐसे ही ब्लड जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।